हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एजाज और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी पैसा कैसे कमाती है। तो इस वीडियो में हम इंश्योरेंस कंपनी के बिजनेस मॉडल को और वो पैसा कैसे अर्न करते हैं इसको समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी पैसा कैसे कमाती है ये जानने से पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, इंश्योरेंस जैसे कि मैं आपको बता दूं, हम सब लोग इंश्योरेंस लेते हैं, जैसे कि हमारा लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जिसको आप जीवन बीमा भी कह सकते हो। इसमें हम क्या करते हैं, कंपनी को सिर्फ एक प्रीमियम देते हैं और बदले में हमारी जो भी चीज़ है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस में हमारी ज़िंदगी होती है तो उसका हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं। अगर हमको कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा आपके घर वालों को देती है, तो इसको लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। दूसरा इंश्योरेंस एक हो गया व्हीकल इंश्योरेंस, जिसमें आपकी व्हीकल के ऊपर इंश्योरेंस आपको मिलता है, जिसमें अगर आपके व्हीकल में कुछ डैमेज हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देती है, क्योंकि आप लोगों ने उन्हें प्रीमियम पे किया हुआ है। तो इस प्रीमियम के बदले इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देती है। और आगे हम ये भी समझेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी इन प्रीमियम से ही कैसे पैसे कमा लेती है। उसके बाद दोस्तों आता है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप कभी बीमार होते हो तो आप लोग मेडिक्लेम जैसे हेल्थ इंश्योरेंस भी करा सकते हो। जैसे कि आप किसी कोई मेडिक्लेम कहते हो, तो इसमें इंश्योरेंस में क्या होगा कि अगर आप बीमार होते हो तो जितने का हेल्थ इंश्योरेंस आपने कराया है उतने तक का हॉस्पिटल का बिल जो है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी, जिसको आपने चूज़ किया है। उसके बाद अदर इंश्योरेंस भी बहुत सारे होते हैं। कुछ लोग बिजनेस के लिए, कोई लोग शॉप के लिए इंश्योरेंस कराते रहते हैं, तो इंश्योरेंस बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि जो भी इंश्योरेंस कंपनी होती है वो पैसे कैसे कमाती है। तो दोस्तों, हम समझते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी की अर्निंग और एक्सपेंस क्या होता है। तो दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी की नज़र से हम देखें तो उसका जो अर्निंग सोर्स होता है वो मेजर सोर्स होता है प्रीमियम। ये प्रीमियम क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए आप लोगों ने इंश्योरेंस कंपनी में जो प्रीमियम भरा है उसके बदले में आपने एक इंश्योरेंस ले ली। अगर आपने कंपनी पे 1000 रुपये दिए, यानी कि आप देख लीजिए 1000 रुपये के आपने एक प्रीमियम भरा और उसमें वो कंपनी ये दावा करती है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो जितने का आपने अमाउंट, यानी कि जितने का पैकेज आपने लिया है उतने पैसे वो आपके घर वालों को दे देगी, तो उसके बदले में आपको उनको 1000 रुपये का प्रीमियम देना है। ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये बहुत सारे लोगों से, लाखों लोगों से जो कलेक्ट करते हैं वो हो गया प्रीमियम, तो ये इनकी एक अर्निंग में आता है। उसके बाद दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिटर्न, यानी कि ये जो प्रीमियम से पैसा लेते हैं उनको दूसरी कई जगहों पे इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे कि बहुत सारी सिक्योरिटी में, बॉन्ड्स में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, या फिर स्टॉक मार्केट के जो अच्छे अच्छे स्टॉक है उसमें भी एनालाइज करके वो स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगाते हैं। तो ये हो गया उनका इन्वेस्टमेंट मनी, तो यहाँ से वो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद आता है उसके एक्सपेंस के, तो अगर कोई भी कंपनी है तो उसके अर्निंग भी हो गए और उनकी खर्चा भी हो गए। तो खर्चे क्या क्या आते हैं इंश्योरेंस कंपनी में, तो सबसे पहले आता है कंपनी एक्सपेंस। कंपनी एक्सपेंस में कंपनी जहाँ पे बनी है, जहाँ पे उनका ऑफिस है वो, उसके बाद जो जो ऑफिस में लोग काम करते हैं जैसे अकाउंटेंट हो गए, बहुत सारे लोग हो गए, वो सारे आ जाते हैं कंपनी एक्सपेंसिस के अंदर। उसके बाद एक और चीज़ आती है जो कि है इंश्योरेंस एजेंट कमीशन। अगर आप लोगों ने LIC के बारे में सुना है तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे LIC के एजेंट होते हैं, तो इन लोगों को भी वो लोग कमीशन देते हैं, तो उस कमीशन को ही ये इंश्योरेंस एजेंट कमीशन कहते हैं। मतलब ये इंश्योरेंस कंपनी से कमीशन लेते हैं। आप जो प्रीमियम देते हैं उससे इंश्योरेंस कंपनी ने काफ़ी सारे ऐसे लोग लगे हैं जो कि इंश्योरेंस उनकी बेचते हैं, तो बदले में उनको कमीशन मिलती है। तो ये इंश्योरेंस एजेंट का जो कमीशन होता है वो भी कंपनी के लिए एक एक्सपेंसिव साबित होता है। उसके बाद बहुत सारी कंपनी के आपने टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, तो एडवर्टाइजमेंट यानी कि एड रन करना वो भी उनका एक एक्सपेंस है। तो ये है इनकी अर्निंग और ये है इसका एक्सपेंस, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों, मान के चलिए अगर कोई कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी, वो अगर 1 लाख लोगों से कुछ पैसा प्रीमियम के रूप में ले लेती है जो कि आपको बाद में वो लाइफ इंश्योरेंस देती है, तो अगर मान लीजिए 1 लाख बंदे हैं वो अगर आपको 500 रुपये भी इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देते हो तो ये हो गए 1 लाख बंदों के ऊपर 5 करोड़ रुपये। तो अब इन 5 करोड़ रुपये एक कंपनी की अर्निंग है, लेकिन इसमें से बहुत सारी इसमें एक्सपेंसेस भी जाएंगे। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा कि एक्सपेंसिस में उनके जो खर्चे होते हैं, ऑफिस खर्चे होते हैं, कमीशन की फ़ीस होती है, ये सारे और एडवर्टाइजमेंट होती है, वो सब उनको इसी में करना है। लेकिन बाद में इन 1 लाख लोगों ने जो ये प्रीमियम पे किया है वो अगर अपना पैसा, अगर उसमें से किसी की डेथ हो जाती है तो कंपनी को पैसा वापस भी तो करना है जिसका उतना कवर था, तो ये पैसे वो लोग कैसे वापस करेंगे। तो ये पैसे वापस करने के लिए कंपनी क्या करती है कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर देती है दूसरी जगह पे। यहाँ पे वो इन्वेस्ट करती है स्टॉक में, उसके बाद बॉन्ड में,
और भी बहुत सारी सिक्योरिटी होती है जिसमें वो इन्वेस्ट करती है, तो यहाँ से उनका पैसा होता है वो बढ़ जाता है, और इतना बढ़ जाता है कि बात हो गई, अगर मान लीजिए किसी बंदे ने ये 500 रुपये पे करके प्रीमियम लिया है, तो उस बंदे को कल अचानक से तो कुछ होने नहीं वाला, और इसी तरह से 1 लाख लोगों ने ये प्रीमियम भरा है, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसको 15-20 साल बाद उनके बीमे अप्लाई हो गए, तो तब तक के लिए कंपनी के पास जो ये पैसा पड़ा था वो उनकी अर्निंग है, तो उस अर्निंग को ये लोग इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से पैसा कमाते हैं। अगर मान लीजिए इन 5 करोड़ रुपए में से कंपनी ने 2 करोड़ रुपए अपने पास रख लिए और 3 करोड़ रुपए कहीं पर इन्वेस्ट कर दिए, तो वो 3 करोड़ रुपए से आगे आने वाले 10-15 साल अगर उन्होंने स्टॉक मार्केट में किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, तो आने वाले 10-15 सालों के बाद उस शेयर का जो भाव होगा वो तो बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से उनको और भी प्रॉफिट होगा। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि उनका मेन एक रिसोर्स ऑफ अर्निंग होता है वो होता है प्रीमियम का, और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट अमाउंट का। तो अगर मान लीजिए बाकी के 3 करोड़ रुपए भी वो किसी अच्छे स्टॉक में यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं, तो अगर उस स्टॉक का प्राइस अगर मान लीजिए 300 रुपये चल रहा था जब उन्होंने शेयर को ख़रीदा, और आज उस शेयर का भाव 1000 रुपये चल रहा है, तो ये जो 700 रुपया है वो उसका प्रॉफिट है। इसको निकालने के बाद उनका मतलब वो लोग अपना पैसा ग्रो करते हैं, अपने पैसे को बढ़ाते रहते हैं, इस तरह से उनकी कंपनी भी चलती रहती है और इंश्योरेंस वाले भी चलते रहते हैं। तो यही वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था कि इंश्योरेंस कंपनी के अर्निंग क्या होते हैं, उनके एक्सपेंस क्या होते हैं, उनका बिजनेस मॉडल क्या होता है, हाउ इंश्योरेंस कंपनी अर्न्स मनी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके हमें बताइएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।